बेड रेडी हो चुका है, एक छोटा सा पावर नैप लेते हैं। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम निकल रहे हैं राजस्थान के लिए और जा रहे हैं एक बहुत ही नई जगह जो कि अभी हाल ही फिलहाल में उद्घाटन की गई है। तो हमने तैयारी कर ली है, ये हमारी गाड़ी, और हमने इसमें अपना सामान रख दिया है और यहाँ पे एक बेड बनाया है कि अगर किसी को नींद आए तो वो एक पावर नैप ले सके। और हमारे साथ आज हैं उत्कर्ष। हेलो। सो ये हैं इस गाड़ी के ओनर और इस बंगले के ओनर और आज के ड्राइवर। तो गाइस, ट्रिप पे जाने से पहले आपको दिखाते हैं आगे कारी एम्प्लॉइज कैसे होते हैं। ये देखिए, अभी भी बेचारे शिफ्ट कर रहे हैं, कोई नहीं। ये देखिए, मीटिंग चल रही है, बहुत ही आज्ञाकारी एम्प्लॉइज हैं। तो भैया देख सकते हैं आप, डीजल फुल टैंक करा के चल रहे हैं, यहाँ से जीरो हो गई है, ये हो गया स्टार्ट। टोटल इतना डीजल फिल किया है, पहले भी था तो अभी टैंक फुल करके चल रहा है। ठीक है, लेट्स गो। तो गाइस, ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें हमें दिखा रहा है अभी 11 घंटे 50 मिनट, अराउंड 714 किलोमीटर का रास्ता है। देखते हैं, कुछ ब्रेक लेते लेते आई थिंक 14 से 15 घंटे हमको लग सकते हैं। जा रहे हैं अब मानेसर। सो ये है मानेसर टोल। खेड़ की तुला टोल लिखा हुआ है। क्या नाम है इसका? खेड़ की दौला। खेड़ की दौला टोल। बाकी तमाम रिश्ते हटा, अगली गली से उनको कटा और सजा के मंडप तेरे बगल में कोई मुझको बिठा। पराठे विच भाई, ये हमारे पराठे आ चुके हैं। मेरा पेट पूजा खत्म और को ड्राइवर का आदान प्रदान हो चुका है, वो सोएंगी, हम डायरेक्ट करेंगे। मैं कह रहा हूँ ऐसे ही निकले थे हम मुन्नार के लिए रात में, ठीक है। और मैं मतलब ये था कि यार 11-12 बजे निकलेंगे तो अपना बैंगलोर था तो यार ट्रैफिक नहीं मिलेगा, अपना निकल लेंगे, अपना सही टाइम वेस्ट नहीं होने का। निकल तो गए, लेकिन वहाँ पड़ता है सिल्क चौक, सिल्क चौक से एक उस पर हाईवे चलती है सिल्क चौक से। हाँ, मतलब मेरे को तो आइडिया नहीं है। हाँ, रात एक घंटा, एक घंटा एक ही जगह पे खड़े रहे थे, बताएं। तो बैंगलोर फेमस है, मतलब एक घंटा लिटरली। मैंने तभी सोच लिया था भाई कुछ भी हो जाए बैंगलोर तो नहीं जाना है। मैं तो कई साल से सोच के बैठा हूँ।
450 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं 7.5 घंटे में, और अभी और 250 किलोमीटर बचा हुआ है, और जो ETA दिखा रहा है वो है 10:15 का। लाइट जला ली ना। ड्राइवर का आदान प्रदान हो चुका है। आइटम कहाँ है? आइटम है मेरे पास, बैग में रखा है, देखता हूँ। पूरे 100 बजे लाओ, चाय पिलाओ, चाय चाहिए मेरे को। वीडियो काटो, चाय पिलाओ। हेलो जी, 100 पे ही मिल गया मैं, 100 पे ही मिल गया सहयोग होटल। देखते हैं भाई होटल सहयोग की चाय कैसी है। देखो हमारे वादे के पक्के आदमी ने 100 किलोमीटर पे ही रोका है। क्या कहना चाहेंगे? दिखा दो। दिखाया है मैंने, ऐसी थोड़ी कप्तान बनाया, सुबह टोपी ऐसी थोड़ी ना बनाई है भाई। प्रॉमिस कंप्लीटेड, डन। चाय कैसी है? प्रॉमिस कंप्लीट किया है, बट चाय बहुत बढ़िया भाई। आप Thank you.
भारत की सड़कें जिनका काम कभी पूरा नहीं हो सकता है। मैन एट वर्क कंस्ट्रक्शन ऑल टाइम। होटल पहुंच चुके हैं और ये हमारा रूम है। आप देख सकते हैं इसमें एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड है और रूम का व्यू इस कुछ इस तरह से है। रूम का आउटसाइड व्यू भी दिखाता हूँ मैं आपको जो कि ओके है। तो हमने आपको बताया था ट्रिप स्टार्ट करने से पहले कि हम लोग उदयपुर जा रहे हैं, बट अभी भी एक सीक्रेट है कि हम उदयपुर जा रहे हैं बट क्यों जा रहे हैं। अगर आप लोग गैस कर सकते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि हम कहां जा रहे हैं।